सच का सफर और चंपारण सफर। तो हम दोनों आदमी आज एक मुद्दे पर बात करेंगे, जो बिहार बंद का समर्थन जो आशुतोष जी ने पटना से बैठकर मांगा है, तो कहाँ तक मतलब बिहार बंद था, कैसे बंद था और कैसे समर्थन लोग दे रहे हैं, कैसे देना चाहिए, इसके हमारे साथी बने हुए हैं संदीप जी। क्या राय रहेगा आपका आज का जो बिहार बंद था? नमस्कार, पहले जितने लोग इस दोनों चैनल को देख रहे हैं और सपोर्ट करते हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि आज जो बिहार बंद रखा गया, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे जिलों में उसका प्रभाव है, लेकिन मनीष कश्यप के जो समर्थक है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के वजह से लोग घर में रहे। तो बताया गया पुलिस प्रशासन के डर से। हाँ, पुलिस प्रशासन के डर से लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, रोड पे नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है, हमने बहुत जगह पे घूमा है, बहुत जगह मैंने बात भी की, लोगों का कहना है कि ये जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, अभी रोड पे जो हम लोग उतर रहे हैं, इसको हम लोग 2024 में दिखाएंगे। कि आज पुलिस प्रशासन जो है सख्ती से काम कर रही है, गाइडलाइन बहुत सारा हो गया है, जिस वजह से हम लोग अभी रोड पे नहीं आए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कोई पार्टी वाले भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को चुप रखे हुए। जहां तक बता दिया जाए संदीप जी कि अगर आरजेडी की कोई मतलब रोड जाम करने की मतलब ही रहता, बिहार बंद करना रहता, या बीजेपी को बिहार बंद करना रहता, तो आज हम लोग जिस जिले से आते हैं कहीं ना कहीं रोड जाम हो जाता। लेकिन एक मनीष पत्रकार के लिए, मीडिया वाले के लिए, लोग खुल के आने के लिए तैयार नहीं है, तो कल मीडिया वाले खुलकर आने के लिए आपकी आवाज कैसे बुलंद करेंगे? देखिए, इसके लिए रीजन है कि मनीष कश्यप कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं है, किसी मंत्री का बेटा नहीं, वो गरीब के हक के लिए लड़ा है। लेकिन मैं उन गरीब लोगों से कहना चाहूंगा जो मनीष कश्यप जिनके लिए लड़ा है, आप लोग मनीष कश्यप के लिए समर्थन में आइए और मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नेता कोई काम नहीं आएगा आपके, जब भी आएगा तो मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप जैसे न जाने बिहार में कितने पत्रकार हैं जो आपकी आवाजों को रखते हैं, वही काम आ सकते हैं। आज आपका हेल्प करने के लिए सामने कोई नहीं आ रहा है, आपको कल कॉल करके बुलाया जाए तो आप क्या कीजिएगा उस समय? देखिए, क्या है कि हम पत्रकार हैं, हमारे ऊपर चाहे कुछ भी होता है, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना एक कीड़ा है सच दिखाने का, लोगों के लिए आवाज बनने का, तो वो तो हम करेंगे ही। अब लोग हमारे लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमें उससे मतलब नहीं। और आपने बहुत एक बड़ी बात कही कि किसी पार्टी का अगर रैली होता या धरना होता तो लोग आ जाते हैं। लोग तो ऐसे भी हैं जो घर में खाना नहीं खाएंगे, घर में ये नहीं देखेंगे कि खाना है कि नहीं है, लेकिन हाँ, ये बीजेपी का पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, मतलब तमाम अन्य पार्टियों के लिए दौड़ के रोड पे आते हैं। जहां तक बात किया जाए कि अगर बिहारियों की बात अगर नहीं करते मनीष कश्यप, बिहारियों के लिए तमिलनाडु नहीं जाते तो आज जेल में नहीं रहते, लेकिन यही बिहारी लोग आज कंजूसी कर रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। इतना फॉलोअर होने के बाद भी जिस तरह से मतलब पोस्ट होना चाहिए, चाहे जिस तरह से ट्रेंडिंग आज चलना चाहिए, उस तरह नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, मनीष कश्यप का ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे चल रहा है, नो डाउट। और बात रही लोगों के उतरने की समर्थन में, कहीं कहीं मैंने बताया आपको पहले भी कि जिले में, कई जिले में लोग उतरे हैं समर्थन में, लेकिन कई जिले में नहीं। जैसे कि आपके चंपारण में लोग नहीं आए, चंपारण में इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे आचार संहिता लगा हुआ है, तो फिर गाइडलाइन भी पालन करना होगा, इसलिए लोग नहीं आए। लेकिन लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है और लोगों ने कहा है कि 2024 में हम लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में वो करके दिखाएंगे। क्या लगता है कि जो समर्थन अभी चल रहा है बिहार में, इस समर्थन से मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे? देखिए, अब ये तो बात न्यायिक हिरासत में चला गया है, कोर्ट कानून का मुद्दा है, इस पे ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, न्याय पे हमें भी भरोसा है, आप सभी भरोसा कीजिए। और मैं यही कहूंगा सभी से कि उग्रपंथी नहीं कीजिए, रोड पे आगजनी वगैरह नहीं कीजिए, शांति से अपने बात को न्याय के लिए रखिए, क्योंकि सरकार से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास है नहीं इसका मुद्दा, ये मुद्दा है न्याय की, न्याय पे आपको भरोसा करना होगा। और जो सत्य होगा, अगर मनीष कश्यप सही है, एकदम से उनको सफलता मिलेगी और उनको कोर्ट बाइज्जत बरी करेगी और आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ बने हुए थे संदीप जी, अगर आप भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं सच्चे दिल से, तो खुल के आइए। आज एक बिहारी का सवाल है, एक बिहार का सवाल है, न कि एक पत्रकार का सवाल है। पत्रकार तो जाएगा जेल और आ जाएगा, लेकिन आपकी आवाज कौन सुनेगा? आज पत्रकार सुनने वाले, मीडिया सुनने वाले हैं, लेकिन अगर कल यही लोग हट जाए आपके पीछे, तो आपके आवाज किसी पार्टी में मतलब सुनने के लिए कोई पार्टी नहीं बैठा है। तब तक के लिए जय चंपारण, जय बिहार।